Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum tamam doston aur buzurgon ko meri taraf se salam hai. Aaj ki is video mein main aapko bataunga ki kis tarah live streaming, live count, subscriber ya kisi bhi channels ke bare mein YouTube ke kisi bhi channel ki live streaming chala sakte hain aap. Video shuru karne se pehle tamam doston se guzarish hai ki is channel ko sab mere channel ko subscribe kare aur bell icon par zarur click kare. Iske liye aapko sabse pehle jo software zaruri darkar hai wo hai OBS studio. OBS studio mein ye live streaming chalti hai. OBS studio mein live stream kar sakte hain aap. OBS studio installation ke baad ye template hai jo maine khud hi taiyar ki hai. ये जो बैक साइड पर लगी ये लाइव सब्सक्राइबर काउंट pewdiepie और टी सीरीज के बारे में और इनके दरमियान ये देखें आप लाइव सब्सक्राइबर काउंट चल रहा है टी सीरीज का और pewdiepie ये दोनों ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैनल्स हैं. तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखें ये टैमर की गई है इस तरह की. इसके बाद इसको OBS स्टूडियो में लगाया गया है. तो इसके लिए जनाबी ये नीचे देखें OBS स्टूडियो में ये प्लस का आइकन बना हुआ है. यहाँ पे ऐड करेंगे हम इमेज. सबसे पहले इस इमेज को कोई भी नाम दे दें. इमेज टू आ गया उसने लिखा हुआ है. ओके कर देता हूँ मैं. तो यहाँ से फाइल ब्राउजर कर लें. जो भी आपने टेम्पलेट जिस चैनल की तैयार करके रखी है जिन जिन चैनल्स में ये आ गई हैं ये ठीक है. इसके बाद इसको ओके कर देंगे. ये मैंने पहले ही लगा रखी है इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ. इसके बाद ये लाइव सब्सक्राइबर अकाउंट जो चल रहे हैं ये कैसे बनाने हैं इसकी यही सब मेन प्रॉब्लम है. यही सबसे बड़ी चीज़ है. इसके लिए ये एक वेबसाइट है जनाब अली लाइव काउंट्स डॉट नेट. यहाँ पे आप किसी भी चैनल का नाम लिखें. यहाँ पे किसी भी चैनल का नाम लिख दें आप टी सीरीज. ये टी सीरीज के लाइव काउंट चल रहे हैं. लाइव सब्सक्राइबर जो काउंट हैं वो चल रहे हैं. तो इसके अलावा दूसरी साइड पे है pewdiepie. ये भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैनल है. इसके बारे में ये इसके तमाम काउंट्स चल रहे हैं. ठीक है. तो ये लाइव काउंट ऐड करने के लिए ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करें. उसके ऊपर है ये ब्राउज़र. ब्राउज़र पे क्लिक करना है. ब्राउज़र यहाँ पे ऐड करेंगे. ये वो मांग रहा है यूआरएल. जिस चैनल का आपने लाइव काउंट चलाना है सब्सक्राइबर काउंट चलाना है उसका यूआरएल कॉपी करके तो इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. उसके बाद ओके कर देंगे. ये उसका आ जाएगा लाइक ये आ जाएगा. इसके बाद इसको कैसे मिनिमाइज डिफ़ॉल्ट साइज पे लेके आना है. इसमें ये आ गई है इसका. ठीक है. यहाँ पे क्लिक राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म और एडिट ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हर चीज़ लेफ्ट साइड से टॉप साइड से राइट साइड से बॉटम से जितना आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं. ये आप देख रहे हैं कि किस तरह लाइव आपको पता चल रहा है कितना साइज करना है. जो भी आपने यहाँ से करना है वो इधर मेंशन कर दें. ज़्यादा मेरा पहले मैंने ये सेटिंग की हुई है इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए. तो इसी तरह दूसरी साइड पे आपने एक और प्लस का आइकन क्लिक करना है. ब्राउज़र पे जाना है. ओके कर देना है. यहाँ पे दूसरी टी सीरीज का यूआरएल पेस्ट कर देना है. इसके बाद ओके कर देना है. ये आपका लाइव सब्सक्राइबर मेन फिगर मेन जो पिक्चर है मेन जो सब काउंट है वो तैयार हो गया. इसके बाद यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देना है. लाइव स्ट्रीम करने से पहले यहाँ फाइल पे आ जाएं सेटिंग्स. सेटिंग्स में आने के बाद ये है लाइव स्ट्रीम. लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करें. यहाँ पे वो की मांगेगा एक आपसे. तो
आपने अपने चैनल पे चल जाना है, चैनल पे जाने के बाद वहां से ये लाइव यहाँ पे सबसे नीचे आप देखें स्ट्रीम नेम की है, ये की वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है तो आपकी चैनल पे लाइव काउंट्स चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम नाउ के ओके कर देना है। ये कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, स्पीड बहुत स्लो है इंटरनेट की, इसलिए ये स्ट्रीमिंग शो नहीं हो रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।